I gave you my heart. Hello friends, this is Vandana here. Friends, today I will discuss with you a very important topic, and that topic is Teutonic verse and Latin verse. So, as this video ke lecture mein, main aapke liye kuch aur bhi naye naye Teutonic aur Latin verse ko lekar aayi hoon, jiski meaning bhi aap samjhenge aur ye dekhenge ki dono verse ka hum कैसे यूज कर सकते हैं एक दूसरे के प्लेस पर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक. ओके, ट्यूटोनिक एंड लैटिन. कॉलिंग जो आपका ये ट्यूटोनिक वर्ड है, लैटिन आपका क्या वोकेशन है. तो कॉलिंग मींस बुलाना, वोकेशन मींस भी बुलाना, कॉल करना. अब आप देख रहे हैं दोनों के ट्यूटोनिक और लैटिन वर्ड्स को जो कि हम पेयर मीनिंग का यूज करते हैं. ओके, चॉपर, चॉपर मींस ये टू बार्गेन. टू बार्गेन मीन जैसे मोल भाव करना, तोल भाव करना. ओके, तो ये आपका चॉपर हो गया ट्यूटोनिक, एंड लैटिन आपका हो गया टू बार्गेन. नेक्स्ट इज चॉइस, सिलेक्शन. चॉइस आपका ट्यूटोनिक हो गया, सिलेक्शन आपका लैटिन वर्ड हो गया, यानी चुनाव करना, चुनना. नेक्स्ट क्लैश एंड एम्ब्रेस. क्लैश मीन्स जैसे एकीकरण हो जाना, मिल जाना, भिड़ंत हो जाना. एम्ब्रेस यानी एक हो जाना, मिल जाना. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लोज वेस्टर. क्लोज ट्यूटोनिक एंड वेस्टर इज लैटिन वर्ड. तो क्लोज और वेस्टर यानी कि कपड़े, दोनों का हम यूज करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, आप ये ट्यूटोनिक और लैटिन कॉलम देख रहे हैं. कोल्ड मींस ठंडा, फ्रिजिड, फ्रिजिड मींस भी ठंडा. तो ट्यूटोनिक आपका कोल्ड जो है ट्यूटोनिक है, और फ्रिजिड आपका लैटिन वर्ड है. और वेरी कोल्ड अगर कहना हो तो जेलिड. वेरी कोल्ड यानी ट्यूटोनिक है, और जेलिड यानी लैटिन. तो दोनों की मीनिंग सेम है. अब यहाँ पर देखिए, वेरी कोल्ड और ये कोल्ड, जब हम केवल कोल्ड की बात कर रहे हैं तो ट्यूटोनिक है ये, और उसका जो लैटिन होगा फ्रिजिड होगा. और जब वेरी कोल्ड की बात कर रहे हैं हम, तो ये ट्यूटोनिक है और इसका लैटिन वर्ड जेलिड होगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कमिंग. सॉरी, कमिंग. कमिंग मीन्स आने वाला. अब इसका लैटिन वर्ड होगा एडवेंट, यानी आने वाला. कमिंग. नेक्स्ट कोविड मीन्स सहयोग करना, ये आपका ट्यूटोनिक वर्ड हो गया. वाइविड, वाइविड यानी ये आपका लैटिन वर्ड हो गया. नेक्स्ट एंड द लास्ट कनी, यानी कनी मीन्स होता है चालाक, चतुर. ओके, एंड एस्ट्यूअर्ट, एस्ट्यूअर्ट मीन्स होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है चालाक या चतुर. तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में बस इतना ही. बट फ्रेंड्स, मुझे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. And don't forget to click the bell icon so that you can receive my next videos notifications. अब तब तक के लिए आपके मन आपसे विदा लेती है. जय हिंद, जय भारत.